और सागवान, ये दोनों का मिक्स करके हम लगा रहे हैं, 50-50% रेशियो में। तो मैंने अभी आपके साथ में ये दूसरा जगह देखा, इसके पहले मैंने देखा था जो कि एक छोटी सी बांध पानी की एक सोर्स था जो कि नदी से मिलता है वहाँ पर, वहाँ हमने देखा। तो ये दूसरा हम अभी सोर्स देख रहे हैं जो हमारे पीछे है यहाँ पर, ये भी बता एक नदी है छोटी सी, क्या नाम है इस नदी का? इसका बाकुल, बाकुल नदी। और जो पहले हमने देखा था वो किस नदी का? वो बाकुल का वो एक नाला था, वो बाकुल में आके मिलता है, उसको फीडिंग करने वाला, बाकुल को फीडिंग करने वाला। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 3 लाख पौधे लगे हैं ये बेसिकली किस किस नदी को मदद कर रहा है? इसमें 3 नदी हैं और उनको सपोर्ट करने वाले, उनको फीड करने वाले सभी नाले भी हैं। हाँ। उसमें एक नदी है उसका नाम है बाकुल, दूसरा जो है वो सुकनी, ओके, और जो हमारा मेन प्रायोरिटी है जिसपे वो अजनाल है। ओके, तो अजनाल, बाकुल और सुकनी, ये 3 नदी को मेन 3 नदी को हम मदद कर रहे हैं। हाँ। जिससे कि जल से जो जमीन का कटाव हो रहा है, मिट्टी कटाव हो रहा है, वो बचेगा, बचेगा और फार्मर्स को फायदा होगा, फायदा होगा। लेकिन मैं अभी ये समझ पाया कि अभी जैसे समझा कि किसी जगह में आपने 6,000 पेड़ लगाए, कहीं 10,000 पेड़ लगाए, तो ये 3 लाख को कैसे डिवाइड किया है? सर एक्चुअली 3 लाख को डिवाइड ऐसे किया है कि हमने पहले से जो हमारा एक रूट मैप, एक रोड मैप बना रखा था, हमने इन सारी नदियों का मेजरमेंट पहले तो मैप लिया एक गाँव में कि कितनी ज़मीनें नदी के किनारे आ रही हैं। सपोज एक गाँव में अगर 6,000 मीटर ज़मीनें वो नदी के किनारे हैं, जो इस गांव में, इस ग्राम पंचायत के रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, जो नदी के दोनों तरफ मिला के 6,000 + 6,000 मतलब 12,000 मीटर। तो 12,000 मीटर में कितने पौधे लगेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 मीटर पे एक लगाया, 2 मीटर पर एक पौधा, 2 मीटर पे एक पौधा, पर जहाँ पर नदी है, बड़ी नदी है, वहाँ पर हमने 2 रो लगा दिए। तो इसलिए जितना मीटर लंबाई है नदी की, उतने ही वहाँ पर पौधे लगे, 12,000 मीटर मतलब 12,000 पौधे लग गए। अब जो दूसरा गाँव जहाँ पर उसका राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से जो दूसरा गाँव शुरू होता है, उस गाँव में कितने नदी डाले हैं जो ऑन पेपर, ऑन मैप है, तो जो राजस्व मतलब सरकारी ज़मीन है जहाँ पर, जैसे इसके बाद में जो गांव है पोखरनी, पोखरनी का हमने जो पटवारी के साथ बैठ के वहाँ का नक्शा उठाया कि आपके पास नदी नाले कितने हैं, उसके साइड में कितने किसान आ रहे हैं, और नदी नाले और उसको फीडिंग करने वाले जो छोटे नाले उनकी लंबाई कितनी आ रही है। तो ऐसे करके पूरी लंबाई हमारे पास में जो आई उसके हिसाब से फिर पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पौधों की काउंटिंग हुई। और हमने उन आपके जो प्रश्न है वो है कि पेज कैसे डिवाइड किया, एक एक लाख पौधे कैसे डिवाइड किए। तो हमने जो गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जहां आपको मॉनिटर करना आसान है, जहां पर विजिट करना आसान है, जहाँ पर ऑडिट करना आसान हो, अगर हम 50 गांव ले लेते 2,000 पौधे वाले, तो वहां पर घूमने में, देखने में सभी को मुश्किल होता है। इसके लिए हमने नंबर ऑफ प्लांट जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेटरी मोड, ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़े हुए। कितने गांव हैं जहाँ हमने 3 लाख पौधे लगाए हैं? हाँ सर, वो रिकॉर्ड है, फर्स्ट बेल्ट में 8 गाँव हैं। अच्छा, और बाकी के 2 बेल्ट जो हैं उसमें। तो 8 गांव, तो लगभग अगर हर एक गांव में आपका लगभग 10,000, 1 लाख का जो फर्स्ट पेज है उसमें 8 गांव आ रहा है, अजनाल के किनारे वाला, करेक्ट है ना, दूसरा सुकनी के किनारे वाले गांव है और ये बाकुल के किनारे वाले गांव। सो 8 या 24 अप्रॉक्सीमेट अपन मान सकते 24 से 25 गाँव। हाँ, 24 से 25। तो 24 से 25 गाँव में ये बटा 3 लाख। जी, आपका क्या बता रहे साहब? वही, हाँ वही बता रहे, 24 से 25 गाँव। तो हम ये मान सकते हैं 24 से 25 गाँव के लोगों को फायदा होगा। हाँ। और अगर हम 24 से 25 गाँव के लोगों की